अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मां लाइ बख़्शजण तव्हां सां गॾु आहियां। असां कल सिंधी अदब जे मुख़्तसर तारीख़ ते लेक्चर पहिरियों ॾिनो हुयोसीं ऐं अॼु उनजो ॿियो हिसो आहे। पहिरियों मां हिकु वज़ाहत कंदो वञा त जेको मां कल लेक्चर ॾिनो हुयो सिंधी अदब जे मुख़्तसर तारीख़ जो, उन में क़ुर शरीफ़ जो तर्जुमो मां ॿुधायुमि ईसवी 887 ईसवीअ में, जॾहिं त जे उहा मूंखां भुल थी वई। अदा फज़ल सुमर जी महिरबानी जे मूंखे इन ते जेको ध्यानु छिकरायो हिकु दफ़ो ॿीहर, ऐं मां उनजी तसहीह कयमि, ऐं मां कमेंट में बि जेको आहे सुनी वीडियो जो लिखियो आहे हेठां त दरअसल क़ुर शरीफ़ जो सिंधी में तर्जुमो जेको पहिरियों दफ़ो थियो आहे अरब जे दौर में, उहो ईसवी 883 में थियो आहे। इन खे ध्यान में रखणु घुरिजे। ऐं ॿी ॻाल्हि त हीअ सिंधी अदब जी मुख़्तसिर तारीख़ आहे। हिन असां जेको आहे सो लेक्चर में सिर्फ़ु जेको तव्हांखे ॿुधायूं था नाईं क्लास वारनि खे, इंतिहाई शॉर्ट करे, इंतिहाई मुख़्तसिर करे था ॿुधायूं। इन में कंहिं बि क़िस्म जी का वज़ाहत कोन्हे। जेकर असां वज़ाहत में वेंदासीं त हर हिकु चैप्टर में तमामु घणो वज़ाहत आहे, त हर हिकु दौर वेंदासीं, दौर जा जेको आहे सो कहाणियूं, नावेल, नगार, हर हिकु तमामु घणा आहिनि, तमामु घणा लाड़ा आहिनि। पर उन जे बावजूद बि तव्हां ताईं हिकु मुकमल ॼाण पहुचे, तव्हां ताईं हिकु मुकमल जेको आहे सो मालूमात पहुचाए सघूं, उन जी मां भरपूर कोशिशि कंदो आहियां त जीअं हर हिक जे बुनियाद ते पुजे। इन खां मां पोइ ते लेक्चर जेके रखिया आहिनि अरब दौर ते, उहो मां SPSC या जेको लेक्चरशिप या ॿियनि जेको आहे सो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम जे बुनियाद ते रखिया आहिनि। पर हीउ जेको लेक्चर आहे मुंहिंजो, उहो मख़सूस क्लास 9 जे ॿारनि जे लाइ आहे, ऐं उन्हनि खे जेको आहे सो जेतिरी ॼाण हुअणु ख़बर या हुअण जी ज़रूरत आहे उन जे बुनियाद ते ॾिनी थी वञे, त जीअं उहे उन मां मालूमात हासिलु करे सघनि त कहिड़े दौर में कहिड़ा लाड़ा आया, ऐं कहिड़े दौर में कहिड़ी शाइरी आई, ऐं कहिड़े दौर में उन जी अफ़ादियत कहिड़ी हुई, ऐं अॼु ताईं जेकर असां उहो पढ़ूं पिया था, सम्झूं पिया था, त उन जी अहमियत कहिड़ी आहे। अचो त मां उमीद थो कयां तव्हां तसहीह करे छॾी हूंदी, मां हिकु दफ़ो ॿीहर बोर्ड ते उनखे लिखां थो त जीअं उहा वाज़े थी वञे त सिंधी अदब में क़ुर शरीफ़ जो सभ खां पहिरियों तर्जुमो ईसवी 883 में थियो, जॾहिं त जे कुझु किताबनि में 863 बि लिखियलु आहे। पर डॉक्टर ग़ुलाम अली अलाना पंहिंजे किताब सिंधी सूरत ख़तीअ में उन जी वज़ाहत कई आहे त उहो 883 में आहे। 883 मुंहिंजे ख़्याल सां हाणे कंहिं क़िस्म जी असांखे का बि इन में मुंझारो न अचणु घुरिजे। हाणे असां अॻिते वधूं था ऐं पंहिंजे हिकु नए जेको उनवान आहे उनखे मुकमल करण जी कोशिशि कंदासीं। पहिरियों मां तव्हांखे ॿुधायुमि सिंधी ॿोलीअ मुतालिक़ अरब दौर, सुमरा दौर, समा दौर, ऐं अरगुन तुर्खानी मुग़ल जे दौर ताईं पहुतासीं। अॼु मां उन खे वधाईंदे अॻिते वञूं था, जे अॻिते वञूं था त अॼु असांजो पहिरियों जेको आहे उहो आहे कल्होड़नि जो दौरु। कल्होड़ा दौरु सिंधी अदब जो सुनहरी दौरु मञियो वेंदो आहे। हाणे कल्होड़नि जे दौर खे सिंधी अदब जो सुनहरी दौरु छो मञियो वेंदो आहे, छाजे लाइ मञियो वेंदो आहे, उन जा केतिरा ई जेको सबबु आहिनि। हिकिड़ो सबबु त इहो आहे त सभ खां वॾो शाइरु शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई असांखे हिन ज़माने में मिले थो, जेको 1799 आम ऐं डॉक्टर अब्दुल जब्बार जूने जे ऐं डॉक्टर नबी बख़्श ख़ान बलोच जे मुताबिक़ त ईसवी 1690 में संदसि पैदाइश थी, ऐं उहो ई साल मुस्तनद मञियो वेंदो आहे ईसवी 1690। उन ज़माने पैदा थी, कल्होड़नि जे ज़माने में संदसि शाइरी उरूज ते पहुती, जंहिंजे करे सिंधी अदब जो सुनहरी दौर कल्होड़नि जे दौर खे चयो वेंदो आहे। हिकिड़ो त इहो पहलू, इन खां अलावा ॿिया पहलू बि आहिनि जंहिंजे करे कल्होड़नि जे दौर खे सिंधी अदब जो सुनहरी दौरु चवंदो आहे। उहो आहे ज़रई, माशी ऐं ॿियो जेको आहे सो हालात जेके उन में हुया उहे बहितर थिया, ऐं कहिड़ा बहितर थिया, अवामी नुमाइंदगी मिली, अवाम खे जेको आहे सो भलाई जा मिलिया, मिसाल जे तौरु वाह खोटाया विया, ज़रात जो जेको आहे शोभे त उहो तरक़ी कई, ऐं इन खां अलावा ॿोलीअ जो उरूज बि इन ज़माने में थियो, जंहिंजे करे असांखे सिंधी अदब में कल्होड़नि जे दौर खे सुनहरे दौर चयो वेंदो आहे। हिकिड़ो दौरु इहो। हाणे असां चऊं था ॿियो हिकिड़ो पासो जेको अदब जे लिहाज़ खां आहे। अदब जे लिहाज़ खां असां ॾिसूं पिया था त शाइरीअ जी शुरूआत या क्लासिकल शाइरीअ जी शुरूआति जेको पहिरियों असांखे शाइरु मिले पियो सो हुयो काज़ी कादन।
जो मुकम्मल क्लासिकल शायर बे नंबर से असर शायर मिले पो वो है जो सो शाह अब्दुल करीम बुड़ी वो उन्हीं के अलावा बया भी केतरा ही शायर जी असें क्लासिकल शायरी की शायरी में कदे नजर चंदा पर ये एक बुनियादी शायर हुआ जी असा उनखा अगत वूँ था तो पेरन पेरन माना पंध कंदे शायरी अगत पहुंती शाह अब्दुल लतीफ भिटाई उन्हीं के उरूज से पुजाया शाह अस शाह काजी कादन बिन सिटन वालों शेर मिले तो शाह करीम बुलड़ी वाले वे असें बिन सिटन जो बेत मिले तो जो मेन शाह इनायत रिजवी वी थोड़ी तरक्की मिले थी बिन का टिन जैं तजे मेन शाह इनायत रिजवी जो है वह पर्यों ही शायर है जै सुरवार शायरी कई शाह लतीफ भिटाई उन्हीं जो तकलीद कई है हाँ अस अगत वूँ था इनके चवं था शाह जो रिसालो कलोड़न के दौर में शाह जो रिसालो जो तरतीब त अंग्रेज के दौर में दिनों हो पर उनकी शायरी अग शुरू थी चुकी हुई उनकी अहमियत यहाँ है जो उन जमाने जा हालात कड़ा हुआ सब कुछ नजर अचे तो शायरी के हवाले से असूँ था क्लासिकल शायरी पैं उरूज से पहुंती तरक्की कयाई जो पर्यों सि शेर बिन सिटन जो मिले पो शाह लतीफ भिटाई वट असें उहो ही शेर सागो यार सिटन तई भी मिले तो संदस वदे में वो बेत जो अस आखिरी सिटू रुगो पढ़ा हर दफे वाइम सदाई करी मथे सिंध सुकार दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करी शाह लतीफ न रुगो एकड़े पास एक शायरी कई पर हर एक पहलू से उन शायरी कई आफाकी शायर है तमाम वो शायर है यो असा साबित न किया बल्कि अंग्रेजन भी उन्हीं के जो सो मुतफ़ तौर से मंजरा तो दुनिया जो वे में वो शायर जो है वो शाह अब्दुल लतीफ भिटाई है छाका तो हर पहंजो तो हर के पहंजे जी तो हर को तारीफ कंदो पर बे जी तारीफ करण तमाम असा दुख लग पर अंग्रेजन यो साबित किया अचे तो शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की शायरी में वो सब पैरामीटर्स मौजूद हैं जी एक तमाम वे शायर में होन घुर्जन इन अलावा इन ही दौर में असें मौलूद मदह भी मिलन था यानी कि जुम्मन चारण जहा मखदूम अब्दुल रऊफ भट्टी जहा सॉरी इन जहा तो जी असो अगत सूँ अगत हली कर इनके समझी सूँ ये अस मुकम्मल पेंे सिंधी अदब जहा एक सो लाड़ा जी असें इन में नजर अचन था इन अलावा अस अगत वूँ था तो 1783 का वी 1843 तीन वो दौर मिले तो है तालपुर जो दौर जैसे सिंधी अदब जो तामीरी दौर वो है हाँ इतने अगर घुर्जे तो क्लासिकल दौर हो जो मनो वो क्लासिकल शायरी दौर वो कलहोड़न जो दौर कलहोड़न के दौर में ही अरूजी शायरी शुरू थी चुकी हुई अरूजी शायरी जी वो डेफिनेशन्स तो तमाम वही है पर सवलो कर समझाया इंतहाई आसानी से समझाया वह यहाँ है तो सिंधी शायरी जी क्लासिकल शायरी थी हुई वह पर्यों रुगो अस हिंदी छंद विद्या के मुताबिक थी हुई हाँ अरूजी शायरी जी है वह वरी अस अरबी और फारसी के बुनियाद यानी कि उन असूलन के मुताबिक जी शायरी थी उन्हीं के इल्म अरूज या अरूजी शायरी वो है इन बुनियाद जंदर सिंध में कलहोड़न के दौर में पेज चुको हो जो पर्यों शायर नूर मोहम्मद खस्ता हो उन हाफिज आली मौला अवेस शिकारपुरी अस पुण मिलन था जे कलहोड़न के दौर जहा हुआ पर उन असो गज़ल मिलो है जो अस पढ़ू था पाया उन मवाद मिली न सको जी अस अगत था हाँ तालपुर के दौर में अरूजी शायरी तरक्की कई अरूजी शायरी पाँच तरवीज से पहुंती जैके डाका जो बुनियाद जो कलहोड़न के दौर में पे चुको हो हाँ वो अगत वो अगत वण थो सचल सरमस्त अरूजी शायरी कई सामी वरी जो वेदांति शायरी कई रोहल फकीर भी रुको वेदांति शायरी कई जैसे रोहल फकीर पोते अचे तो पर उनके बावजूद असेंगे दिसूँ था तो रोहल फकीर भी वेदांत शायरी कई इन अलावा बया भी केतरा ही वा शायर जी असें इन में मिलन था पर जो बुनियादी जो शायर वो सचल सरमस्त सामी सूफी दिलपत रोहल फकीर नानक यूसुफ इन दौर में वा वा शायर थी गुजरिया इन शायरी बिन्हीं मिजाज में मिले थी कि क्लासिकल अंदाज में शायरी असें मिले थी तो असंख संदस शायरी जो इल्म अरूज के मुताबिक भी मिले थी सैयद साबित अली शाह सिंधी अदब जो मरसे निगारी में मुअज्जिद एज
ऐजाद के अंदर पंजो वेंदो आहे जेको बि असांखे तालपुरनि जे दौर में ई मिले थो ऐं उन जी शइ असांखे जेके मरसिया मिलंदा इहो जेको रिवाज आहे इहो जेको तसलसुल आहे उहो ईरान खां सिंध पहुतो ऐं सिंध में अची रिवाज थियो छाकाणि त असांखे तारीख़ में मिले थो त जेके तालपुर हुकुमरान हुआ उहे जेको आहे सो मज़हबनि या फिरके में उहे शिया हुआ इन जे करे उन्हनि जी रुगबत ईरान सां वधीक हूंदी जंहिंजे करे असां वटि ईरानी सिनफुनि तरक़ी ऐं तरवीज तमामु घणी कई इन खां अलावा ग़ज़ल रुबाई मुसदस मुखमस ऐं ॿियूं केतिरियूं सिनफूं आहिनि जेके इन दौर में असांखे मिलनि थियूं इहो हिकिड़ो मुख़्तसिर जाइज़ो हुयो असां अॻिते वधूं था त इन खां पोइ कल्होड़नि खां पोइ तालपुर तालपुरनि खां पोइ अंग्रेज़नि जो दौरु अचे थो अंग्रेज़नि जो दौरु जेको आहे उहो सिंधी अदब जो दरअसल सिंधी अदब जो तरक़ी वारो दौरु मञियो वेंदो आहे इन ई दौर में छाकाणि त असां सूमरनि जे दौर खां वठी हेसि ताईं चऊं था त असांखे नसुर किथे बि कोन थो मिले जेकॾहिं मिले बि थो त उहो फारसी में मिले थो हिकिड़ो असांखे सिंधीअ जो किताबु मुक़दम सलाहत मखदूम अबुल हसन थटवीअ जो मिले थो जंहिंखे मखदूम अबुल हसन जी सिंधी पुण चयो वेंदो आहे जेका चालीह अखरी बि आहे उहा असांखे मिले थो पर उन खां पोइ को वधीक कोन थो मिले पहिरियों बाब किताब जेको असांखे मिले थो उहो आहे अंग्रेज़नि जे दौर में बाबनामो जेके मिलनि था हाणे सभु जा सभु इहे किताब या न आहिनि इहे असांखे अंग्रेज़नि जे दौर में मिलंदा अंग्रेज़नि जे दौर में सिर्फ़ु शाइरी न पर नसुर जी तमामु घणी तरक़ी थी आहे सूमरनि जे दौर खां वठी असां तालपुरनि जे आख़िरी दौर ताईं ॾिसूं था त सिंधी ॿोलीअ खे कॾहिं बि फोकियत न मिली अहमियत न मिली उन खे रुगो जेको आहे सो हिकु आम ज़बान या इलाइक़ाई ज़बान जी हैसियत ॾिनी वेंदी हुई पर अंग्रेज़नि अची इन ई रिवायत खे टोड़ियो अची इन रिवायत खे जॾहिं टोड़ियो त उन्हनि सिंधी ॿोलीअ खे क़ौमी ॿोलीअ जो दर्जो ॾिनो ऐं 1853 में मौजूदा सिंधी रस्मुल ख़त मंज़ूर कई वई उन में 10 मेंबर हुआ 4 मुसलमान 4 हिंदू ऐं 2 अंग्रेज़ उन्हनि जे बुनियाद ते इहा रस्मुल ख़त ठही ऐं जेका अॼु ताईं असां लिखूं पिया था अंग्रेज़नि जे दौर में असांखे शाइरी नसुर तहक़ीक़ तनक़ीद ग्रामर हर हिकु बुनियाद ते सिंध जी जेको तारीख़ ते किताब मिलनि था न रुगो सिर्फ़ु मुसलमाननि हिंदुनि बल्कि अंग्रेज़नि बकल में ख़ुदि इन जो तमामु घणो जेको आहे सो हिसो वरितो ऐं उन्हनि जेको आहे सो अंग्रेज़ीअ में सिंधीअ में किताब लिखिया ऐं उन्हनि ते जेको आहे सो तहक़ीक़ कई असां जेके नाला खणण वेहंदासीं त हिकु तमामु डिघी लिस्ट थी वेंदी इन खे असां नाला उन जा कोन रखियो हिकु नाला जेको मां अंग्रेज़नि जे दौर जा लिखी वेठो आहे नंदीराम उदाराम सैयद मीरा मोहम्मद शाह मिर्ज़ा कलेज बेग भैरूमल मेहरचंद लालचंद अमर इनोमल वग़ैरह ऐं ॿिया केतिरा ई आहिनि जेके असां विझंदासीं त उन में जेको डॉक्टर गुरबख्शाणी बि अची थो वञे मोहम्मद सिद्दीक़ मुसाफ़िर बि अची थो वञे ऐं जेको आहे सो डॉक्टर होतचंद मोलचंद गुरबख्शाणी खां अलावा जेको आहे सो असांजो पंहिंजो अलामा उमर बिन मोहम्मद दाऊद पोटो अलामा आया इकाज़ी ॿिया केतिरा ई आहिनि जेके पाकिस्तान खां अॻु बि हुया पाकिस्तान खां पोइ बि आहिनि असांखे मिलनि पिया था ख़ासियत इहा आहे हिन दौर जी इल्मु अदब जे लिहाज़ खां शाइरी त असां वटि अॻु बि थिए पई हाणे जेका वधीक तरक़ी जेका थी उहा नसुर में थी सिंधी नसुर जा किताब लिखिया विया मज़मून लिखिया विया मिर्ज़ा कलीच बेग जेको आहे सभु खां पहिरियों तर्जुमो किताबनि जो कयो मकालतुल हिकमत जेको बेकन्स एसेस जो तर्जुमो आहे न लॻंदो आहे त को तर्जुमो आहे छाकाणि जेतिरी बेकन्स एसेस में सुहिणी अंग्रेज़ी इस्तेमालु कई वई आहे ओतिरी सलीस ऐं सादी सुठी ऐं ॿोली जेका इस्तेमालु कई आहे वरी मिर्ज़ा कलीच बेग पंहिंजे मकालतुल हिकमत में कई आहे इहा असांजी ख़ासियत आहे इन खां अलावा ॿिया बि केतिरा ई किताब तर्जुमो कया विया असां वटि कहाणी लिखी कान वेंदी हुई आखाणी हूंदी हुयूं जेके बि जेको आहे सो कंहिं लोक आखाणियूं लोक किसा हूंदा हुआ उहे ॿुधाया वेंदा हुआ लिखिया कोन वेंदा हुआ छाकाणि त असां वटि सिंधी अदब जो हींअर ताईं जेको बि अदब पहुतो आहे असां ताईं उहो ज़बान दर ज़बान पहुतो आहे यानी कि सीना बसीना जंहिंखे आम तौर ते कंदो आहे मां ॿुधायो तव्हांखे तव्हां ॿुधायो कंहिं ॿिए खे उन ॿुधायो कंहिं ॿिए खे ओसि ताईं ईअं असांजी रिवायतूं असां ताईं पहुतियूं आहिनि इन रिवायतुनि जे बुनियाद ते डॉक्टर नवीश ख़ान बलोच पूरा 40 जुल्द पूरा 40 जुल्दनि ते लोक अदब जी तहक़ीक़ी रिथा मुकमल कई आहे जेका असां वटि अॼु मौजूदु आहे असांजे दस्तावेज़ आहे त सिंधी अदब में जेको आहे सो केतिरो कमु थियो आहे न रुगो एतिरो हुयो त मां हिकु ॻाल्हि मिस कंदो आहियां मथे त सिंधी अदब में कल्होड़नि जे दौर में क्लासिकल अरूज़ी ऐं उन खां अलावा लोक शाइरी पुणु सरिजी वई जेका जुमन चारण खां अलावा साबिर मोची जेको हुयो उहो तमामु वॾो उन दौर जो शाइरु हुयो जंहिं शाइरी कई हुई असां आहियूं अंग्रेज़ दौर में इन करे अंग्रेज़ दौर ते ॻाल्हायूं था इन खां पोइ
अंग्रेज़ दौर में कहानी नावल ड्रामो अफसानो ये सब मिलन था इन तमाम वा अस लेखक कहानीकार मुतरजम सब मिलन था। उन नो दौर अचे तो उन नए दौर जो है ईस्वी 1947 ईस्वी 1947 का अज तई में मुराद है जे असा वा वा शायर अस उन नाला खड़ी अस उन शायरी से अस उन नावलन से अस उन सो गाले को सिर्फ नालन से इक्तफा कदे तो कड़ी तरक्की थी छाकाण जब पाकिस्तान आज़ाद न थो अ हिंदुस्तान हो तो उन में अस सिंधी मां सिंधी चंदुम हिंदू या मुसलमान को चंदुम छाकाण तो ये असो सिंध जो कम हो इन कर हिता का जुदा थी ओडे वाया पे सिंधी जो इतने लिखंदा हुआ हिंदू लिखंदड़ हुआ जैसे कर हलिया वा तो कुछ साल तक खाल पे जी पर उन खाल के पूरे कर में देर कान लगी असा बया केतरा ही आलिम वे हुआ उन्होंने भेरो बीहर संदरों बधी उन पूरे करण की कोशिश कई में मौलाना दीन मोहम्मद वफाई पीर असामुद्दीन शाह राशदी साईं जी एम सैयद सैयद मीरा मोहम्मद शाह खां सैयद मीरा मोहम्मद शाह असा पीर असामुद्दीन शाह जी पीर अली मोहम्मद शाह राशदी बया केतरा वा नाला जिन इन कम के सो पोते को छो अगत हल्दा रहा मोहम्मद उस्मान डीपलाई जो तमाम वो नालो है असा मिले तो पो पाकिस्तान का इन सभी भाग भर उन में हिस्सों विधो हिस्सों विधे सिंधी अदब के अगत वाइंदा रहा शायर में हिकड़ी रिवायती शायरी जो पे थे पी इल्म अरूज तो तरक्की पसंद दौर के वो है यो शुरू थी चुको हो उन में रिवायती शायर में असान मखदूम तालिबुल मौला मोहम्मद इब्राहिम खलील हाफिज़ अब्दुल्ला बिस्मिल बया केतरा ही मिलन था जो रिवायती शायरी कंदड़ हुआ जो पुरानी शायरी के पसंद कंदा हुआ उन तरक्की पसंद शायरी में भी कुछ शायर मिलन था जिनके अज ताई गायो वे तो शेख अयाज तनवीर अब्बासी इमदाद हुसैनी नईम दुरेशानी कमर शहबाज बया केतरा ही नाला जे सिंधी अदब जहाँ वे वा नाला कहानी में नजम अब्बासी नसीम खर जमाल अबड़ो बया वा नाला पुण शामिल जे असा सिंधी अदब में नजर अचन था। नावल निगार भी सागे वे नावल निगार भी पर अमर जलील एक कहानीकार से गुड़ एक नावल भी लिखो है नेट गुंगे गालो जो तमाम बेहतरीन नावल मंझा एक नावल है बया केतरा ही नावल निगार है नाला लिख शुरू कदे तो रेजी वेल मंजर जो तारिक आलम अबड़े जो रेजी वेल मंजर जो सो मन नाला अणगणे अणखुट नाला जे असते वी को सूँ अगत हल्दी त इन्हें में असा तहकीक तनकीद जो मौजू पुण मिलया जे सिंधी अदब से लागापियल जिन सिंधी अदब के तरक्की वधाई है ये उन्होंने जो नुमाया किरदार कर तहकीक तनकीद में डॉक्टर गुलाम अली अलाना डॉक्टर नबी बख्शान बलोच पीर हसामुद्दीन शाह राशदी पीर अली मोहम्मद शाह राशदी बिन्हीं लिहाज का अलादाद बोहो बया भी केतरा ही मुहक्क जे असा सिंधी अदब में मिलन था इन असा अहमियत मैं उम्मीद तो क्या तो मुख्तसिर नमूने से जो गाल बुधाई है वह समझ में आई होंगी इन मुताबिक जो सवाल जवाब जो सिलसिलो हों व्हाट्सएप ग्रुप से शेयर किया वो तो उन्हीं में जी तुम उन्हें पैं कॉपी में फेयर कर सो लिखी सो इन बेहतर नमूने से जवाब दई सो। अस्सलामु अलैकुम।